बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और हमारी ईद। वेलकम टू कुकिंग विद नवीला। मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारों के साथ ज़रूर अपना टेबल शेयर करूँ, ब्रेकफास्ट टेबल जो है। अभी मेरे बच्चे मदरसे आए हैं ईद की नमाज़ अदा करके, तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूं। ये जनाब मेरा ब्रेकफास्ट का टेबल है, ईद टेबल। ये सारी रेसिपीज़ मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके ये लड्डू भी मोतीचूर के हैं, मैंने घर में ही बनाए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी इंशाल्लाह। यहाँ पर खजूर केक है, वो भी ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। जलेबी का भी रेसिपी दे चुकी हूँ। एंड देन ज़ाफ़रानी गजरेला, ये भी आ रहा है जी आपके पास इंशाल्लाह बहुत जल्द, एक दो दिन में, क्योंकि अभी मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ रेसिपी देने में, दो दिन के बाद दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। यहाँ पर ये चटनियाँ भी मैं आपको चैनल पे मेरे चैनल का विज़िट करें, मैंने वहाँ पर दी हुई हैं। ये जनाब मीठी चटनी है इमली की, और ये खट्टी चटनी है, और ये भी दूसरी वाली है, ये आलू बुखारे की और खजूर की मीठी वाली है। यहाँ पर ये ग्रीन चटनी है। मैं ग्रीन चटनी को रमज़ान के लिए फ्रेश बनाने के बाद मैं फ्रीज़ कर देती हूँ आइस ब्लॉक्स में, और जैसे ही आप निकालेंगे वो फ्रेश लगेगी आपको, और योगर्ट में ऐड करें और यूज़ करें। और ये खजूर पाई है जी, नाटी और खजूर पाई, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर जी लोबिया चाट है, ये देखें। मैंने सब कुछ इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि फिर वो अच्छा लुक नहीं आता उसका। इसमें ये सारा सैलेड जाएगा, जितनी जितनी जिसको रिक्वायरमेंट हो वो उतनी उतनी ऐड करें, चटनियाँ डालें। यहाँ पर चाट मसाला है, वो सब कुछ। मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है और ग्रीन धनिया, ग्रीन चिली, दैट्स ऑल। और यहाँ पर जी चना चाट है फुलकियों के साथ, बूंदियाँ हैं छोटी छोटी, ये देखें। और मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया कि गेस्ट के आने पे क्विकली मैं सब कुछ ऐड कर लूँ, और किसी ने कम खाना होता है, किसी ने ज़्यादा खाना होता है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब ऐड करें। ये हो गया जी। हाँ जी, स्पेशल चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गई, ये देखें जी, फ्रेश फ्रॉम माय ट्री, गुवावा ट्री से। वो तो मैं अभी बाहर जाके भी आपको थोड़ा सा उसमें दिखाऊंगी। और कोल्ड ड्रिंक जूसेस के तो मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ जब से ये वायरस का सिस्टम है। चाय चलती है बच्चों के लिए, अभी बच्चों ने माशाल्लाह खाए हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैनिया, दूध गर्म करके उसमें ऑलरेडी खा चुके हैं। साथ में ज़ाफ़रानी गजरेला भी खाया उन्होंने। ये देखिए, ये बाउल जो है नॉर्मल यूज़ के लिए, और ये गेस्ट के लिए है। आप मुझे कमेंट्स में मस्त बताएं आपको मेरा ब्रेकफास्ट टेबल कैसा लगा। काश के आप सब मेरे पास आ सकें और हम इकट्ठे बैठ के सारे इंजॉय करें इंशाल्लाह। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और चलें जी, मैं अब आपको थोड़ा सा अपना गुवावा ट्री का लुक दिखाऊं। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग है आज, सूरज बहुत ही माशाल्लाह चमकदार निकला है। मैं आपको अपने गुवावा ट्री का लुक दिखाने के लिए लाई हूँ। ये देखें जी, और व्यूअर्स ये मैं बताती चलूँ, ये गुआवा ट्री मैंने खुद प्लांट की है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए काफ़ी सारे गुआवास फुल बॉक्स, जितने हमसे खाए गए, बाकी कुछ दिनों के बाद बहुत सॉफ्ट हो गए, वो मैंने मिट्टी में दबा दिए। और माशाल्लाह देखें, ये देखें कितना प्यारा, माशाल्लाह फुल है फ्रूट के साथ।
असल में पत्तों की वजह से क्लियरली नहीं नज़र आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखिए इनसाइड, मैं ट्री के अंदर में घुस के दिखा रही हूँ आपको। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और यहाँ पर स्पेशल मेहमान तो आपको दिखाना ही भूल गई आज के दिन। ये मेरा डॉग है, इसका नेम सिम्बा है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। चलें व्यूअर्स, फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।